हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या उनकी हायर सेल्फ आपको मैसेज देना चाहती है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं जो मैसेजेस के थ्रू आपको कन्वे करना चाहते हैं जो उन्होंने कभी आपको नहीं बताया। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, सबके लिए ओपन है, ठीक है। जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम को भी गाइस आप लोग ज़रूर फॉलो करें, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बिकॉज वहाँ पर भी मैं शॉर्ट रीडिंग्स अपडेट करती हूँ, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, सबके लिए गाइस रीडिंग ओपन है। मेरे सेकंड चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फ्री लाइव रीडिंग के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नोटिफिकेशन बेल भी उसकी प्रेस करें ताकि जब मैं लाइव आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपने पार्टनर्स पर फोकस रखें, अपने लवर पे, अपने क्रश पे, अपने फ्रेंड के लिए भी आप लोग रीडिंग को देख सकते हो, किसी के लिए भी रीडिंग को, जिसके लिए भी देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है, बिकॉज मेरे चैनल पे जितने भी रीडिंग्स हैं सब की सब सबके लिए ओपन है। तो देखते हैं क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। अवर लव वॉज रिटन इन द स्टार्स। तो डेफिनेटली गाइज, आपका जो इस पर्सन का लव है वो स्टार्स पे ऊपर लिखा गया हुआ है, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है। आई विश आई कुड जस्ट टर्न बैक टाइम एंड स्टार्ट अवर विथ। ये पर्सन की विश है, काश ये टाइम को दोबारा पीछे लेके जा सकता, जहाँ पे आप दोबारा से सब कुछ स्टार्ट कर सको। ऑब्वियसली पास्ट के बारे में ये पर्सन सोचता है और पास्ट में रहता भी है। देन वी हैव यू आर द ओनली वन डैट ट्रूली गेट्स मी। आप ही एक हो जिसने इस पर्सन को पाया है, ठीक है। आप इस पर्सन तक पहुँचे हो, जहाँ तक आप पहुँचे हो वहाँ तक मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में कभी कोई भी नहीं पहुँचा, या जितना ये आपको चाहता है उतना किसी को भी नहीं पहुँचाता। आई एम स्ट्रगलिंग टू ओपन माई सेल्फ अप टू यू। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है ताकि आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके, ओपन हो सके आपके सामने और बता सके कि ये आपके लिए क्या फील करता है। सो देन वी हैव आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस इंटेंस लव। डेफिनेटली गाइज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिवाइन कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है, तो आपका कनेक्शन काफ़ी इंटेंस है। इस पर्सन को लव काफ़ी इंटेंस है, बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस तक है कि इसको ये डरता है कि कहीं, मतलब ज़्यादा आप इंटेंस लव हो जाए ना तो बाद में आपका समटाइम्स होता ये है कि आप एक ही नहीं होते, ठीक है, यूनियन नहीं होती, तो इसको उस चीज़ से डरता है ये पर्सन, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इसने इतना इंटेंस लव कभी भी नहीं किया। आई स्टिल सीक्रेटली लॉन्ग फॉर यू। या ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर है, क्रश है आपका। इस पर्सन को आप पे क्रश हो सकता है, ये आपका ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसने कभी आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, बट ये पर्सन आपसे प्यार करता है, सीक्रेटली आपसे लव करता है, आपके लिए तड़प रहा है और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, बट अभी स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे करें। आई एम जस्ट नॉट मेच्योर इनफ फॉर आर लव सो डीप। ये पर्सन अभी इतना मेच्योर नहीं है कि डीप लव कर सके, ठीक है, बिकॉज मे बी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डीप लव के लिए आपको काफ़ी मेच्योर होना पड़ता है। अपनी लाइफ में सेटल है तो काफ़ी ज़्यादा 20% की लाइफ में स्टफ चल रहा है, क्योंकि स्टेबल भी नहीं है। हो सकता है ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, अपने करियर को बना रहा है, स्टडी कर रहा है, या फिर ये पर्सन सेटल हो रहा है अपने करियर में। सो दैट्स वाई अभी ये पर्सन इतना मेच्योर नहीं है कि इतना डीप लव कर सके। इवन इफ़ वी नेवर मीट अगेन, यू विल ऑलवेज होल्ड द की टू माई हार्ट। इस पर्सन को पता है कि अगर आप नहीं भी मिल पाते, एक नहीं भी हो पाते कभी, तो बट इसके दिल की चाबी हमेशा आपके पास रहेगी। इट मीन्स कि आप इस पर्सन के दिल में हमेशा रहोगे। यू आर ऑल आई कैन थिंक अबाउट। आप ही एक हो जिसके बारे में ये पर्सन गाइस सोचता है, क्योंकि ये पर्सन आपको चाहता है। आई नीड टू हील माई ओन इशूज़ फर्स्ट। इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ इशूज़ चल रहे हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कुछ चीज़ों से गुजर रहा है, तो अभी अपने आप को हील कर रहा है खुद, कि खुद सेटल हो जाए अपनी लाइफ में। क्योंकि जब ये कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में खुद सेटल होगा, खुद उसके पास इतनी मेच्योरिटी होगी, तभी वो आप किसी को कुछ दे सकता है ना। जब उसके पास खुद कुछ है ही नहीं, अपने इशू उसके ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो आपको क्या देगा गाइस। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, ठीक है। फिर है गाइस हमारे पास, यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। आप ही हो जिसको ये पर्सन चाहता है। यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको ही चाहता है, आप ही एक हो, आप ही एक हो। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड ऑलवेज विल। ये पर्सन आपसे प्यार करता है और करता रहेगा।
देन वी हैव वी नीड टाइम टू हील एंड ग्रो ऑन अवर फर्स्ट. आपको पहले खुद एक दूसरे को गाइज हील होना है, अपनी लाइफ में ग्रो करना है ताकि आप एक दूसरे को कुछ ऑफर कर सको, स्टेबल ऑफर. आई एम डीलिंग विद माई कार्मिक पार्टनर. ये पर्सन अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है. कार्मिक पार्टनर कुछ भी हो सकता है, इसके फैमिली मेम्बर, इसके पेरेंट्स, इसके फ्रेंड, इसके कुलीग्स, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैरिड ही आइए, बट मैरिड भी हो सकते हैं. आई स्टिल चेक अप ऑन यू ऑन सोशल मीडिया, यू आर माई फेवरेट ऑब्सेशन. ये पर्सन आपको स्टॉक करता है क्योंकि आपको स्टॉक करना, आपको देखना इसको अच्छा लगता है. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स. मैंने आपको पहले क्या बोला था गाइस, ये पर्सन आपका फ्रेंड है बट सीक्रेटली आपसे लव करता है, क्रश है, बट इसने आपको एक्सप्रेस नहीं किया. तो ये कह रहा है कि फ्रेंड से ज़्यादा ये बनना चाहता है आपका. ठीक है, डेफिनेटली ये आपके फ्रेंड जोन से पर्सन है जिसको आप भी पसंद करते हो और ये भी आपको पसंद करता है, बट फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की इसने कभी. बॉटम ऑफ द डेक है आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू इन माई लाइफ. आपके बिना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खोया खोया सा फील करता है, लाइक फिजिकली कहीं पर प्रेजेंट है बट मेंटली नहीं है. लॉस्ट फील हुआ हर टाइम, गुम सा रहना, क्योंकि इसके माइंड में आप चलते रहते हो, दैट्स वाई. सो दिस इज योर रीडिंग. ये मैसेजेस थे आपके पार्टनर्स की तरफ से गाइस. जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में आप भी सोच रहे हो, तो वो क्या सोच रहा है आपको पता चल गया है. सो रेजोनेट किए हो, पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.